वेलकम बैक फेलो फूड गीक्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कैप्रीसी सैलेड लाए हैं जो इटली का बहुत फेमस सैलेड है, और हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान दोनों तरीके, और बहुत ही यमी और रिफ्रेशिंग सैलेड है इतनी गर्मी में जब खाना बनाने का दिल भी नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसको मैं स्लाइस कर लूँगी। अब एक वेरिएशन में मैं चॉप भी करूँगी, काट के भी डालूँगी। अभी के लिए मैंने स्लाइस करके रख लिया है टमाटर, इसको साइड पे रख लेते हैं। अब मैं लूँगी बोकोनचीनी। बोकोनचीनी को मोज़रेला भी कहते हैं, और ये हमें फ्रेश मोज़रेला लेना है, हमें वो पिज्ज़ा चीज़ नहीं लेना इसके लिए। इसके लिए फ्रेश मोज़रेला ही यूज़ करना है। ये स्लाइस में मिलता है, और बॉल्स में मिले तो आप स्लाइस कर लीजिए। ये मैंने एक कप पास्ता उबाल लिया था जो अब दो कप बन गया है उबलने के बाद। थोड़ा प्याज काट लेंगे, ये मैं आधे से भी कम प्याज लूँगी। ये हाफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल्स हैं हाफ सर्कल्स, इनको काट लेंगे। बस इतना ही, अब इसे साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, ये बेरी टमाटोज लिए हैं मैंने। ये टमाटर आप चेरी टमाटर भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का टमाटर चलेगा। और अगर आपको चेरी टमाटर भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था वही चॉप कर लीजिए। ये मैंने अब अपने गार्डन से पुदीना तोड़ के लाई हूँ जो मैंने धो लिया है, और अब मैं इसके पत्ते अलग कर रही हूँ। पुदीने के साथ साथ इसमें डलता है बेजिल, जिसको मांडवी तुलसी भी कहते हैं, जिसको इटालियन बेजिल भी बोलते हैं, इटालियन तुलसी भी बोलते हैं। तो मेरे पास ताज़ा तो नहीं है, तो मैं फ्रीज़र्स में प्रिजर्व करके रखा था, वो निकाल के रखा है। और दोनों को मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है, हल्का सा, बड़ा ज़ोरदार चॉप बोला मैंने। चलिए इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं। तो 3 से 4 चम्मच, छोटे चम्मच, मैंने बालसामिक विनेगर लिया है, और इसमें उतना ही मैं ऑलिव ऑयल भी डालूंगी। अच्छा, मैं इसमें नमक इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक तो देखिए अभी आप जो चीज़ ले रहे हैं उसमें काफ़ी नमक होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपका दिल करे तो डाल सकते हैं नमक। तो चलिए पहला सैलड असेंबल करना शुरू करते हैं। तो टमाटर का एक स्लाइस रखेंगे, उसके बाद मोज़रेला का एक स्लाइस रखेंगे, और उसके बाद जो पुदीना और बेजिल हमने काटा है ना वो रखेंगे। देख ऐसे, जैसे देखिए मैं रख रही हूँ, और कलर्स देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, कि भारत का फ्लैग लग रहा है या इटली का भी फ्लैग हो सकता है, मुझे बड़े सुंदर रंग लगते हैं ये। तो ऐसे मैं सारा अरेंज कर लूँगी सैलड। इसके ऊपर मैं ड्रेसिंग डाल दूंगी अच्छे से। अब बीच में मुझे ना होल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं वहाँ पे भी एक सेट बना के सोच रही हूँ डाल ही दूँ। अब बेटर है ना, भरा भरा लगना चाहिए। अच्छा, अगर तो आप ब्रेड वगैरह नहीं खाते, आटे से परहेज करते हैं, तो आप अगली चीज़ ना डालें, पर लेकिन जो खाते हैं ब्रेड क्रूटॉन्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको इंडिया में ब्रेड क्रम्स भी लोग बोलते हैं। अच्छा, मैंने तले नहीं है ये, मैंने टोस्ट किए हैं, आप चाहें तो तल भी सकते हैं। गर्मी इतनी है और तला वैसे ही काफ़ी लोग परहेज करते हैं। ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ बेरी टोमेटोज, आप चाहें तो नहीं है तो चेरी डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो भी चलेगा। थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए थोड़े हरे पत्ते और डाल दिए, हल्की सी ड्रेसिंग और डाल दी, और ये मेरा पहला सैलड तैयार है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। हाँ, पहले मैं देखो शेफ़ की तरह साफ भी कर रही हूँ। चलिए इसको हटाते हैं, और अब हम दूसरा वाला बनाते हैं। इसमें हम पास्ता डालेंगे, तो प्लेट ले लेते हैं। अच्छा, पास्ता जो मैंने लिया है ना, ये दो सैलड बन जाएंगे इसमें, तो आधा इसमें डालते हैं। अब डालेंगे प्याज, हम पहले वाले में भी प्याज डाल सकते थे, इनफैक्ट मैं बाद में भी डाल भी दूंगी, उसमें भी अच्छे लगते हैं। और प्याज डालने के बाद हम इनमें डालेंगे ये छोटे छोटे टमाटर, और उसके बाद मैं दूसरा टमाटर है उसको काट रही हूँ साइड पे, वो काट के वो भी डाल देती हूँ, जो स्लाइस करके पहले से रखा था ना उसी को काट के डाल रही हूँ। ये लीजिए वो भी डाल दिया। अब इसमें डालेंगे पुदीना और बेजिल जो हमने काट करके चॉप करके रखा हुआ था। अब इसमें डालेंगे बोकनचीनी, अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, और अब डाल देंगे ऊपर से ड्रेसिंग हमारी। इसमें थोड़ी ज्यादा ड्रेसिंग डालिएगा क्योंकि पास्ता थोड़ा ब्लैंड होता है ना।
अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये वाला सैलेड भी हमारा तैयार है, इसको बस थोड़ा सजा लेते हैं। अब चलिए इसे गार्निश करते हैं और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिए बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत हेल्दी सैलेड है, इसमें ना कुछ कुकिंग इन्वॉल्व है, तो गर्मी के लिए और भी अच्छा है और ठंडक भी देता है अंदर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सैलेड कैसा लगा, इनफैक्ट दोनों कैसे लगे जब आप बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं जल्दी ही आपको मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। जो रेसिपी हिंदी में होती है उसमें उसकी स्क्रीन पे हिंदी लिखा होता है, और जो इंग्लिश में होती है उसमें इंग्लिश लिखा होता है। और सारी रेसिपीज़ की हिंदी इंग्लिश वर्जन मैं ज़रूर डालती हूँ, तो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट, उसे ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपका दिन अच्छा हो, आप खूब इन्जॉय करें, मस्त रहें, सेफ रहें, और जहाँ पर भी रहें खुश रहें। बाय।